गाइस लिटरली में हम इंसानों ने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी है यार। देखिए यहाँ माउंट चिल्लियार्ड पर इतनी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस्ड है, और ये टूरिस्ट जितने भी यहाँ पर टूर के लिए आते हैं ना, ट्रिप के लिए आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, उसी को मैं साफ कर रहा हूँ। गाइस वैसे तो इसके मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, बस मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब कितना बड़ा कचरे का डब्बा भर गया, कोई नहीं इसको जल्दी से बाहर फेंकते हैं, यहाँ पर कचरे वाली गाड़ी आएगी उसमें इसको रख देंगे। आप सभी को भी दोस्तों मेरी तरह अपने घर वालों की ना मदद करनी चाहिए। एक मिनट, ये किसकी आवाज आ रही है? अरे मेरे को बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं। अरे मारो इस गंदे से बच्चे को, खत्म कर दो। अरे बाप रे, ये क्या? ओ भाई साहब, सामने कुछ शैतान बच्चे हैं जो शायद किसी एक छोटे से बच्चे को नीचे गिरा रहे हैं। अरे भैया मार दो इस बच्चे को। अरे हाँ मार दो इसको। अरे हाँ भाई मार दो इसको। अरे बाप रे, ये सब के सब तो गॉड के बच्चे हैं। गाइस मैं तो इनसे पंगा भी नहीं ले सकता। अरे मेरे को छोड़ दो, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? अबे तू कितना काला बच्चा है, कितना बड़ा, छी 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 छी, इसे मार दो, इस खाई में फेंक दो इसको। ओ नो गाइस, हमें इस मासूम बच्चे को बचाना होगा। इसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, और ये इतने बुरे बुरे गॉड्स के बच्चे यहाँ पर लिटरली में इस मासूम से बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई? गाइस आप प्लीज जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब। हे बच्चे लोग चुपचाप चलो यहाँ से, भागो, मस्ती टाइम ओवर, मैं इस बच्चे को बचा रहा हूँ। आजा बेटा आजा। ए फ्रैंकलिन आए, इस बच्चे को चुपचाप गिरा दे वरना हम तुझे फेंक देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। गाइस आप जल्दी प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना होगा। अंकल जी मेरे को बचा लीजिए। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा फ्रैंकलिन, रुक तेरे को बताता हूँ, ये बॉम्ब लाया है। क्या कर रहा है तू? ओ नो 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 नो, बच्चे बच्चे जल्दी ऊपर आ जा बच्चे। हेलो बाप रे, मैं गिर गया, मम्मी पापा बचाइए, मम्मी पापा हेल्प मी प्लीज, मैं मर गया, मेरे को बहुत जोर से लग गए। ओ नो गाइस, वो मासूम बच्चा कहाँ चला गया, गिरता गिरता। बच्चे मैं तुझे बचा लूंगा। ओ नो, ये क्या हो गया गाइस? ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया को? एक मासूम बच्चे को इन बेकार लोगों ने इतनी पूरी तरह से गिरा दिया। ये बहुत ज्यादा बुरी हालत है गाइस। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मैं उन बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई? अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ा गॉडफादर टाइटन बन गया। एक मिनट गाइस, ये तो उसी बच्चे की आवाज है जो बेचारा माउंट चिलियार से नीचे गिर गया था। एक मिनट, ओ माय गॉड, ये तो मेरे सामने एक गॉडफादर टाइटन है। ये गॉडफादर टाइटन कौन है? अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे को पूरी जिंदगी टॉर्चर किया। मेरे मम्मी पापा गरीब थे और तुम गॉड के बच्चे थे, इसलिए ना। अरे बाप रे, अरे ये बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे अरे, हमको इस बच्चे से कोई बचाओ। अरे अब तो ये बच्चा नहीं रहा, अब तो ये बहुत बड़ा गॉडफादर टाइम बन गया है। ओ माय गॉड गाइस, लिटरली में आप सभी देख रहे हैं ये कितना ज्यादा बड़ा हो गया। अब मैं पूरी दुनिया को इस बात की सजा दूंगा, ये लो मैं सबको मार दूंगा और पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। ओ नो गाइस, यहां पर इसने तो इन सबको मार दिया। ओ नो यार, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि माना ये बच्चे बहुत बुरे थे, लेकिन सबको मारना सॉल्यूशन नहीं है। ओ माय गॉड, बच्चे प्लीज रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करके तू अपना बिगाड़ रहा है, इनका नहीं, ये सब तो नालायक है मेरे भाई, तू ऐसा नहीं कर सकता। गाइस मैं इसको कैसे समझाऊं, लेकिन गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहां से कूदने पर ये गॉडफादर टाइटन कैसे बन सकता है? आइडिया, क्यों ना गाइस मैं भी यहां पर कूदूं, क्या पता मैं भी कोई गॉड बन जाऊं किसी किस्म का। अरे बाप रे, बड़ी जोर से लगी। अरे ऐसे गिर कर कौन गॉड बनता है? बचाओ गाइस, अगर आप चाहते हो मैं गॉड बन जाऊं, कोई बढ़िया है। What? ये क्या हुआ? एक सांस से मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई। हाँ तो अच्छा, लोग तुमको ऐसा ऐसा करनी होगी। अरे बाप रे, ये रेड सन गॉड है। अरे प्लीज डॉक्टर मिक्सर जी, मुझे बताइए मैं कहाँ पर हूँ। अरे बच्चा, तू यहाँ पर गॉड की दुनिया में है। गॉड की दुनिया में मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? असल में यहाँ वही आता है जो गॉड बनना चाहता है या फिर अपनी एज बढ़ाना चाहता है। फिर तो मुझे अपनी एज बढ़ानी है। अरे सर जी भगाओ इसको, इसके बस की कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर गॉड बनकर रहूंगा, मैं दुनिया में हो रहे खतरनाक कामों को रोक कर रहूंगा, यहाँ पर दुनिया को अच्छाई की राह पर लेकर जाऊंगा। बहुत बहुत बच्चा, तो अगर तुम लोगों को यहाँ पर किसी भी हालत में दुनिया का सबसे बड़ा गॉड या फिर खतरनाक एलिमेंटल गॉड के सूट चाहिए तो तुम आगे बढ़नी होगी। ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक रैंप चैलेंज है। बिल्कुल बच्चे, यहाँ पर खड़ा है 300 खतरनाक अर्थ गॉड। अर्थ गॉड? ओ माय गॉड, वो भी 300? इसके पीछे एक जाल जिसके अंदर मिलेगा तुम्हें एक खतरनाक अर्थ गॉड आयरन मैन का सूट। अर्थ गॉड एलिमेंटल आयरन मैन का सूट? गाइस इस पे तो मेरी शक्ल है। बिल्कुल बच्चे, जो भी इस सूट को हासिल करेगा उसको उसी की शक्ल वाला सूट मिलेगा। ओ तभी वो मेरी शक्ल जैसे सूट है। गाइस ये तो हगी वगी जिला है। अरे मैं तो इससे डरता ही नहीं हूँ, हगी वगी जिला से। हाँ तो बच्चे, अगर तुम हगी वगी जिला को हरा पाए तो यहाँ पर तुम्हें 700 लाइटनिंग गॉड हल्का सूट मिलेगा। इसमें भी गाइस मेरी शक्ल है, इसमें तो सिंचेन की भी है यार। ओ माय गॉड, वो कितना ऑसम सूट था लाइटनिंग गॉड वाला। उसके बाद बच्चा लोग, अगर तुम्हें अपनी एज को और ज्यादा बढ़ाना है तो तुम्हें यहाँ पर 300 जायंट गोल्डन गॉड आयरन मैन को हरानी होगी। तुमने इसको हरा दिया तो इसके अंदर मिलेगा तुम्हें एक जायंट सन गॉड वेनम। सन गॉड वेनम, पहली बार देख रहा हूँ इसको। इसके
पंख तो लावा से बने हैं भाई साहब, पूरी बॉडी सन से। उसके बाद बच्चा लोग तुम्हें यहाँ पर स्किप द टॉयलेट और जायंट टोनी स्टार्क से बचते हुए आगे जानी होगी। क्या? और ये क्या है? यह है दुनिया का सबसे बड़ा ऑल फादर आइसल लावा गॉड का सूट। अगर तुम अपनी एज करोड़ों साल करनी है और साइज भी, तो जल्दी जाओ और इस सूट को ले लो। गाइस ये सूट तो मैं ही लेकर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओए ज्यादा मत बोल, इस सूट को मैं लूंगा। अरे बाप रे गाइस देखिए, लिटरली मैं सबसे पहले ये लावा गॉड जा रहा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा और यहाँ पर किसी भी हालत में जितने भी एलिमेंटल गॉड्स के सूट है उनको ले लूंगा। मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 8 साल है, लेकिन मैं बाइक ऐसे चलाता हूँ कोई 30 साल का बूढ़ा आदमी नहीं चला पाएगा। गाइस ये मेरी बेइज्जती कह रहा है। ओए चुप कर, तू तो लायक भी नहीं है बेइज्जती करने के। बेइज्जती तो खुद बेइज्जत हो जाएगी तेरी करके। ये क्या कह रहा है भाई तू? लिटरली मैं लावा गॉड, मैं बेशक इंसान हूँ लेकिन तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ। ओए कमजोर बोलता है मुझे ही। अरे बाप रे नीचे गिर गया। गाइस अच्छा हुआ वो नीचे गिर गया, मेरी बेइज्जती कर रहा था। मेरे को चीटिंग करनी पड़ेगी। और नहीं बच्चे चीटिंग मत करो ना सजा मिलेगी। अरे बच्चे हो किसको बच्चा बोल रहा है? डॉक्टर मिक्सेट, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं हूँ लावा गॉड। ओ माय गॉड, लावा गॉड ने ये क्या? ये है मेरी टेलीपोर्टेशन, खतरनाक लावा बकेट। ओ इसने अपनी बकेट को बुलाया और ये टेलीपोर्ट हो गया डायरेक्टली चीटिंग करके अपने लावा एलिमेंटल गॉड के सूट के पास पहुंच गया। गाइस लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर देखा था तो अर्थ गॉड मेरी शक्ल के सूट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सूट बदल गया है शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर लावा गॉड जो सूट लेने आया है। खैर दोस्तों देखते हैं क्या ये ले पाएगा या नहीं। और बच्चे बोला ना चीटिंग करिएगा तू ना तू मरेगा। ए मिक्सेट मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। गाइस लिटरली में यार ये लावा गॉड तो डॉक्टर मिक्सेट की बेइज्जती कर रहा है। अब मैं सबको मार दूंगा। ए अर्थ गॉड, अरे ये तो बहुत बुरा मारता है, इसने तुम्हारी बैंड बजा दी। ओ भाई साहब यार ये तो ये गलत कर रहा है लावा गॉड, ये यहाँ पर बाकी लोगों क्यों मार रहा है और इवन ये चीटिंग करके आगे बढ़ रहा है। मेरे को किसी बाइक की सहायता नहीं लगेगी, अब मैं सीधा जाऊंगा और यहाँ पर जितने भी लावा गॉड एलिमेंटल के सूट हैं सबके सब ले लूंगा। अरे बाप रे ये हागी बगीचला, ए हागी बगीचला चल मेरे को सलाम ठोक। ओए मैं तुझे खा जाऊंगा, आ जा। अम यम 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 मजा आ गया। ओ माय गॉड गाइस हागी बगीचला इसको खा गया, आधा खा गया। मैं तो कभी भी ऐसा ना करूं। लो गाइस अब मेरा नंबर है। अरे इतनी जल्दी कहां? मैं जाऊंगा और तुझे मार के जाऊंगा इंसान। नहीं माय रेडसन गॉड, मेरे तेरे क्या क्या बिगाड़ा है, प्लीज मेरे को छोड़ दे। हां रोक तेरे को मारता हूं। नहीं कोई बचाओ। गाइस प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन पे लोगो। अरे बाप रे मार दिया। गया बेचारा फ्रैंकलिन, कोई इसके लिए फ्रैंकलिन ओपी नहीं लिखेगा। नहीं गाइस प्लीज हेल्प मी, ऐसे करके तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। अच्छी बात है उनको लड़ने दो, मैं निकल जाता हूं। नो नो भाई रेडसन गॉड देख तू मेरे को यहां पर पीट रहा है और आइस गॉड आगे बढ़ गया। चिंता मत कर उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुझे मारूंगा। कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, एक बार मैं यहां पर आइस गॉड एलिमेंटल के सूट ले लूं सारे के सारे। एक काम करता हूं पीछे वाली जगह पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ फैला देता हूं जिससे भी यहां पर ये लोग आना पाए और यहां पर मजा आ जाए। अरे बाप रे गाइस इस आइस गॉड ने तो लिटरली में ठंडी ठंड कर दी। ओ माय गॉड अब ये क्या कर रहा है? अब मुझे जल्द से जल्द इन लोगों के उल्लू बनाना होगा। अरे अरे क्या हमें उल्लू बनाएगा? ओ भाई साहब ये तो लाइटनिंग गॉड हल्क है जिन्होंने लिटरली में आइस गॉड को लाइटनिंग से मारा है और क्या फेंका यार पहाड़ों की तरफ। इंसान यही रहना। नहीं भाई रेडसन गॉड तो चीटिंग कर रहा है। चलो जल्दी अपने कार पर बैठता हूँ। कार बोल रहा है गाइस ये बाइक को, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इससे पहले मैं पहुंचूंगा। गाइस एक मिनट मुझे यहाँ पर ये खतरनाक बॉम्ब दिख रहा है। एक काम करते हैं गाइस हम ना इस रेडसन गॉड की बाइक पे बॉम्ब लगा देते हैं। अब जैसे ही ये यहाँ पर एक्सीलेटर दबाएगा ना रेस देगा तो फटेगा। और मार दिया। बहुत मारूंगा तेरा को फ्रैंकलिन, वापस आऊंगा मैं। फाइनली गाइस हमने रेडसन गॉड को तो अपने रास्ते से हटा लिया, अब मेरा नंबर है। और बच्चे जल्दी जा समय निकल रहा है। ऑलराइट गाइस अब आप सभी प्लीज मेरे साथ रहना। गाइस यहां पे बहुत ठंड हो रही है, मेरे को इस सेंट को भी ठीक करना है। अरे भाई साहब ये क्या, मेरी तो गाड़ी मुझसे छूट गई। नो 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 मेरा बाइक के मैं जीत नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे शुक्र है विंडमिल ने मुझे इधर फेंक दिया वरना मैं हार सकता था। जल्दी चल फ्रैंकलिन भाई। अरे बाप रे गाइस मुझे यहां पर पैदल ही सफर तय करना होगा। एक मिनट सामने वो बाइक, अरे वाह ये तो बाइक है, क्या बात है गाइस कम से कम हमें बाइक तो मिली। अब जल्दी हमें करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर मिक्स से बोल रहे हैं समय निकल रहा है, मुझे अगर अपनी एज बढ़ानी है और एलिमेंटल गॉड्स के सूट चाहिए। एक मिनट दोस्तों मैं तो लाइटनिंग गॉड के पास आ गया, मैं इसको कैसे हरा हूं? आइडिया गाइस एक काम करते हैं। एक मिनट करंट लग गए। तू मुझे हराएगा कीड़े, तेरे बस की कुछ नहीं है। क्या करूं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। गाइस एक काम करते हैं मैं ना इसी की लाइटनिंग को इसी के ऊपर डाल देता हूं। हां ये जरा से रखा, जब इसको इसी की बिजली से करंट लगेगा तब पता चलेगा। ये 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 रखी। अरे ये क्या कर दिया, नहीं नहीं करंट लग रहा है। गाइस अब एक काम करते हैं जितने यहां पर इसको करंट लग रहा है हम जल्दी से इस जाल को तोड़ते हैं। भाई साहब इसके चारों तरफ आग आग लगी पड़ी है भाई, जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। गाइस ये जाल नहीं टूट रहा है, अब मैं बाइक से तोड़ूंगा जाल को। वाह गाइस अब आप सब देख रहे हैं यहां पर एक अर्थ गॉड एलिमेंटल आयरन मैन का सूट है जिस पे मेरी शक्ल है, इसको पहनता हूं। वाह क्या बात है गाइस मेरी एज पूरे 22,000 साल हो गई और मैंने यहां पर ये जितने भी बेकार लाइटनिंग गॉड थे इनकी बैंड बजा दी। चलो गाइस अपनी बाइक पर बैठते हैं, निकलते हैं क्योंकि गाइस मैं चीटिंग करके नहीं खेलूंगा, मैं यहां पर एकदम ईमानदारी से जीतूंगा। ऑलराइट गाइस
गाइस आइस एंड लावा गॉड का सूट मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमें और भी ऑसम ऑसम एलिमेंटल गॉड के सूट मिलेंगे, उसके लिए जल्दी हम आगे पहुंचते हैं। और रेड गाइस मैं आगे पहुंच गया। अरे वाह, एक और स्वादिष्ट खाना, मैं इसको खाऊंगा। अरे बाप रे, तो हगी वगी जिला है। और यहां पर एक सेवन हेडेड लाइटनिंग अवेंजर्स फ्रैंकलिन का सूट है। गाइस मैं इससे चुपचाप बच के भाई एक बार सूट ले लूं ना, फिर इस हगी वगी जिला को बताऊंगा। मैं तुझे खा जाऊंगा बच्चे, मेरे पास आ जा। अरे बाप रे, तो मुझे खाने की बातें कर रहा है, चल गया। मैं पहले तुझे पकाऊंगा उसके बाद खाऊंगा। यार ये तो मुझ में आग लगा रहा है। मुझे जल्दी से गाइस चाल तोड़ना होगा, किसी भी हालत में वो सेवन हेडेड लाइटनिंग अवेंजर्स फ्रैंकलिन का सूट लेना होगा। गाइस एक आईडिया है मेरे पास, मैं यहां पर ना तपस्या करता हूं, और तपस्या करके मैं यहां पर इस जाल को हटाकर, ओ भाई साहब काम हो गया। गाइस देखा मैंने ना यहां पर अपनी अर्थ आयरन मैन गॉड की पावर इस्तेमाल की, और फाइनली गाइस जैसे ही मैंने यहां पर ये लाइटनिंग गॉड अवेंजर फ्रैंकलिन का सूट पहना ना, मेरी एज 100,000 साल हो गई है। और गाइस अब इसको उड़ाने का समय आ गया। अरे मार्टिया मुझे, मम्मी जी बचाइए। फाइनली गाइस हमने हगी वगी जिला की भी बैंड बजा दी है। ऑलराइट दोस्तों, अब एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं और जाकर अपना नेक्स्ट वाला सूट देते हैं। अरे बाप रे गाइस, कितनी प्यारी प्यारी कार्स हैं, मैं तो रेड वाली कार लूंगा। गाइस आप सभी का फेवरेट कलर क्या है, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ। और दोस्तों गेस करो मेरा फेवरेट कलर क्या है। अरे अरे अरे, बच गया यार, बाल बाल। ऑलराइट दोस्तों जल्दी से यहां पर जंप लगाते हैं। ओके गाइस, पीछे करके जंप लगानी पड़ेगी। गाइस आप सभी को पता है सामने ना एक जायंट खतरनाक लावा गॉड के सूट्स खड़े हैं, और मेरे को इनसे बचना पड़ेगा। देखिए कितने खतरनाक है। ए बच्चे, हम तेरे को मार देंगे। अरे भाई साहब, मेरे को नहीं मरना, प्लीज गॉड्स, मेरे साथ जला दिया मेरे का। प्लीज मेरी बैंड मत बजाइए, मुझे आगे जाने दीजिए। मजा आ गया। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, एक मिनट, ये कहां पर? अरे बाप रे, ये तो थ्री हेडेड जायंट गॉड डायमंड का सूट है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है शायद किसी एलिमेंटल गॉड के सूट को। आइडिया, मैं यहां पर इस बोर्ड को हटाता हूं और देखते हैं गाइस इस बोर्ड के अंदर कौन सा एलिमेंटल गॉड का सूट छुपा है। अरे बाप रे, ये बोर्ड हटता क्यों नहीं? हट जा भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फाइनली गाइस, है ये क्या? हम तुझे मार देंगे, तू यहां क्या कर रहा है इंसान, ये ले। अरे फेंक दिया, एक मिनट। अरे मुझे गाइस सही जगह लैंड करना होगा। शुक्र है गाइस, मैं यहां पर ऊपर आ गया। नीचे क्या है? गाइस ये तो सन गॉड वेनम का सूट है। ओह माय गॉड, मेरी एज देखिए गाइस, 31 लाख ईयर्स का हो गया मैं। गाइस ये सूट कितना ऑसम लग रहा है ना। अगर आपको भी ये सूट पसंद आ रहा है तो कमेंट में जल्दी से रेटिंग दो 10 out of 10 या 10 out of 100। मैं भी देखना चाहता हूँ ये सूट कैसा लग रहा है भाई साहब। गाइस ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड का सूट। अभी तो मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 31 ईयर्स है। देखते हैं गाइस क्या हम उस बेबी गॉड फादर टाइटन से अपनी ज्यादा एज बढ़ा पाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी एज भी यार 100 करोड़ साल थी। प्लस अभी काम करता हूं, उसके अंदर जाता हूं, तब बताता हूं आपसे। ऑल राइट गाइस, लुक एट मी, मैं यहां पर बन चुका हूं पूरे के पूरे 170 करोड़ साल का जायंट ऑल फादर आइस एंड लावा गॉड। और गाइस आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर धरती पर जितनी भी बर्फ उस बेकार से आइस गॉड ने जमाई थी, मैंने उस सभी को खत्म कर दिया है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।